ये नया सिस्टम आया है इसका, इस कार का पूरा सिस्टम ही अलग है इसका। ये काफी मतलब जबरदस्त लगी मेरे को। जबरदस्त है इसकी रेट। इस टाइप में कई आइटम आते हैं मेरे पास। एक कितनी स्केटिंग हुए 400 रुपए की स्केटिंग करेगी घूमेगी। दोस्तों देख सकते हैं ये। तो भैया ये जो है वो डीजे साउंड, ये हाँ ये बच्चों की रेट बताओ आप। इसमें पूछाऊंगा, क्रिकेट काफी खेलते हैं अपने इंडिया के अंदर जी जी। तो क्रिकेट का भी थोड़ा बेट वेट के बारे में बताइए। क्रिकेट का बेट का मतलब नया आइटम बताओ थोड़ा कुछ, मतलब क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है इसमें नया आइटम। अच्छा। इसमें पानी डाल के ऊपर से पीछे से फुहारा सेट चलेगा इसमें। ये बहुत ये अलग ही देखो जब हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कोटा का 130वां राष्ट्रीय दशहरा मेला चल रहा है। आज मैं आपको बहुत ही खास मेला मतलब मार्केट दिखाने वाला हूं, जो कि काफी खास रहता है बच्चों के अंदर भी और काफी मेरा भी फेवरेट रहा है बचपन में। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं खिलौना मार्केट जो है वो पूरा दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आगे जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप खिलौना मार्केट की जो है मैं आपको शॉप दिखा रहा हूँ, फिर आप आगे बात भी करेंगे खिलौने वालों से क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से खिलौने मिलते हैं बच्चों के और क्या क्या प्राइस है आपकी, पूरे इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं। तो देखो अभी मैं आपको फिलहाल जो है वो दिखाता हूँ कौन कौन से खिलौने आए हुए हैं और आगे जो है वो इधर भी लगा हुआ है देखो। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की जो है वो सारे सामान मिल जाएंगे आपको, स्टेशनरी के और ये सारे देखो कितने अच्छे मतलब यहाँ पर ये ABCD और ये सारे जो है वो। ये देखो सारी यहाँ पर ये आपको एक से एक जो है वो सारी ये देखो। अभी तो क्या है फिर देखो ये यहाँ पर सारे बच्चों के आइटम भी है और तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये बच्चे जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और इधर भी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको एक एक करके सारी दुकान दिखाऊंगा। ये बच्चों के बैग भी लगे हुए हैं और सारे जो है वो गुड़िया भी है उधर आगे की तरफ, आपको दिखाता हूँ देखो पूरा मैं। ये देखो सारी बार भी डॉल और सारी लगी हुई है और की चेन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, सारे जो है वो आइटम बच्चों की स्टेशनरी के अलावा अपने पास ये। तो आप इस शॉप पे आ सकते हो और आपको मैं एक एक करके भी बाकी शॉप पे दिखाता हूँ, ठीक है चलते हैं आगे। ये देखो यहाँ पर भी ये शॉप लगी हुई है खिलौनों की और यहाँ पर भी आपको बच्चों के जो है सारे खिलौने मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक, छोटी छोटी गुड़िया के और ये सारे जो है देखो। ये देखो सामने एक से एक खिलौने लगे हुए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोटा दशहरा मेला के अंदर ये टेडी बेयर की जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं बच्चों के अंदर भी गर्ल्स के अंदर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक से एक आपको ये पांडा भी मिलेगा और ये सारे मिलेंगे आपको, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है देखो। ये छोटे 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 की भैया क्या रेट है? 150 किलो। अच्छा 150 किलो। ये देखो कलरफुल चीज़ें मिलेगी यहाँ पर और सामने वाला दिखाता हूँ देखो रेड कलर का वो इतना ज़बरदस्त है, उसकी लगभग भैया ने बताया 1350 जो है वो 1000 रुपये की समथिंग वो कर देंगे और बहुत अच्छा। तो यूपी से ही भैया? ये देखो यूपी से ही जो झूले मतलब खिलौने वाले जो है वो ज़्यादातर यूपी के आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो बहुत एक से एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी आपके बच्चों के लिए जो है ज़रूर यहाँ पर आइएगा और आप ख़रीदारी करिए, ठीक है आगे चलते हैं और आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ देखो। और ये देखो एक और खिलौने की जो है वो यहाँ पर भी अलग अलग आपको ये ढोल वोल सारे मिल जाएंगे, एक एक करके सारी शॉप दिखाऊंगा और एक शॉप वाले से बात करेंगे देखें और क्या क्या वहाँ पर खिलौने की जो है वो प्राइस रहने वाली है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं आगे। देखो तो दोस्तों देखो आगे भी जो है वो जो खिलौने की जो है वो शॉप लगी हुई है, इधर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी शॉप है यहाँ पर, इधर की तरफ देखो यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं। खिलौना मार्केट जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े स्तर पर लगता था, लेकिन फिलहाल तो जो
ये देखो डॉल वॉल सारी मिल रही है यहाँ पर। किसी समय में कोटा दशहरा मेला के अंदर खिलौना मार्केट जो इतनी बड़ी स्तर पर लगता था, लेकिन अब जो है काफ़ी मतलब कम कर दिया इस मार्केट को, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर था ये। और ये इधर आगे देखो अंदर आप देख सकते हैं खिलौना मार्केट जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लगता है, और यहाँ पर बड़ी शॉप है काफ़ी, आप खिलौना के आपको एक एक करके देखो यहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलिए भैया से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो आवाज से आए हो आप, तो भैया आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मैं, आप कोटा राजस्थान के जो दशहरा मेला कितने सालों से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ आज से 15 सालों से। अच्छा 15 सालों से, तो आपके पिताजी भी आया करते थे? पिताजी आते, अभी भी आते हैं। अच्छा, तो भैया आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अभी खिलौना मार्केट लग चुका है पूरी तरह, ठीक है, तो कैसा रिस्पॉन्स मतलब अभी तक? साल तो हल्का है, बहुत ज्यादा हल्का, काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, पहले बहुत बड़े स्तर पर लगता था, बड़े स्तर पर लगता था, अपने ग्राउंड का नक्शा चेंज कर दिया तो काम हल्का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अभी थोड़ा बताइए अपनी सबसे कम का जो आइटम बताइए, सबसे कम रुपीज का अपने पास ये डमडम आएगा 60 रुपए का जी, उसके ये बॉल 80 रुपए की, बाकी सब 100 रुपए माल है ये। अच्छा ये वाला बाकी तो, सारा 100 रुपए माल है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला जो है आप दिखाइए यहाँ पर, ये सब 100-100 के हैं, ये ढोलक वाले डमरू वाले सारे वो जबरदस्त, इधर भी है ऊपर बाकी 100 रुपए माल है। सारे खिलौने मिलेंगे सामने, देखो गुल्ला वो सारे होते हैं वो मिलेंगे, अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगी। देखो अपने तरफ ये वाली आइटम आएंगी सेल की म्यूजिकल अपना, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये यहाँ पर देखो डॉल है, ये मंकी है 280 रुपए का है मंकी, बिल्कुल कितने का बताया भैया? ये 480 रुपए की है, ये 280 रुपए का मंकी है। अच्छा अच्छा, इसी टाइप में गाय आ जाएगी अपनी 220 रुपए की है। स्टॉक में कई आइटम आते हैं मेरे पास, ये पुलिस कार है 350 रुपए की है, इस टाइप में कई आइटम आते हैं मेरे पास, एक ही डॉल आएगी अपनी स्केटिंग हुए 480 रुपए की है, स्केटिंग करेगी घूमेगी। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पर जबरदस्त 480 रुपए की बता रहे भैया, इस टाइप में आइटम देखते खुश हो जाते। देखो बाकी ये कारें वगैरह हैं आपके पास, ये देखो मार्केट से सारी कम रेंज में आपको आइटम। ये कार थोड़ी बड़ी कार चला के दिखाओ, ये कार आएगी 1,250 रुपए की, 4x4 का 20 है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं 1,250 की जो है वो एक वो कार आएगी, आप रिमोट दिखाइए एक बार, ये रिमोट है इसका, लाइट चार्जेबल है 4 फंक्शन में ये, लेफ्ट टाइट आगे पीछे बिल्कुल चारों तरफ घूमेगी, 4x4 का पीस है ये, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप चलाओगे चारों पहिए एक साथ चलेंगे इसके। इसमें फिर बड़ा कार आएगा 1950 रुपए का आएगा, ये वाला कार है। अच्छा ये वॉच वाला कार है, वॉच से चलेगा। अच्छा वॉच से चलती है, एक ये नई आइटम आई है बिल्कुल यूनिक तलवार, ये फोल्डिंग हो जाती है और खुल भी जाती है, दोनों काम करती है। प्लास्टिक की है ये, स्टील की तलवार है, स्टील की तलवार 220 रुपए की है। अच्छा बढ़िया आइटम है, क्वालिटी बेस्ट है इसकी, स्टील। भैया आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये डॉल रखी है ये कितने की है? ये डॉल आपकी पड़ेगी 550 रुपए की, ये बॉय है जो 280 रुपए का है, 280 रुपए का। दोस्तों मतलब खिलौने तो इतने सारे हैं, खिलौने सारे सारे तो बता नहीं पाएंगे, एयर गन एयर गन सब मिल जाएगी आपको, मैं आपको एक एक करके देखो बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन तो आप इधर भी दिखाइए, ये बड़े आइटम है बच्चों के लिए, सेट है किचन सेट है, ये काफी बड़े बड़े बच्चों के खिलौने हैं, और ऊपर वो भी रखी हुई देखो, तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये सारे बच्चों की छोटे छोटे ये गन लगी हुई है, और ये सारी देखो यहाँ पर ये खरीदारी करने के लिए क्योंकि लोग काफी संख्या में आए हुए हैं, और बच्चे हैं यहाँ पर, देखो मैं दिखाता हूँ, बड़े भी आइटम मिल जाएंगे बाहर, ये डम्पर वम्पर लगे कार पकड़े सारे लगे हुए। हाँ जी ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू भैया।
दोस्तों कोटा दशहरा के अंदर जो खिलौना मार्केट जो है काफी संख्या में लगता है। आप देखो, मैंने आपको बाकी शॉप दिखाई, अब जो झालरा पटन वालों की शॉप दिखाता हूँ, काफी सालों से आ रहे हैं और एक से एक आपको आइटम मिलेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो सारी में तो चलिए, जो शॉप है उनके जो मालिक है उनसे बात करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। देखो तो भैया, आपका सबसे पहले नाम बता दीजिए। जी मैं बोलो जी, मेरा नाम बबलू है जी, और हमारे गुरु का नाम है श्रीनाथ। हाँ, श्रीनाथ तो इस खिलौने के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, गिराज जी नाम है इनका। तो आप भैया बताइए, कहाँ की शॉप है ये? ये हमारे झालरा पाटन की शॉप है। अच्छा, झालरा पाटन की शॉप है। तो भैया आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मैं, कोटा दशहरा मेला के अंदर आज 130वां राष्ट्रीय दशहरा मेला चल रहा है, तो आप कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? लगभग हम 8-10 साल से आ रहे हैं। 8-10 सालों से आ रहे हो, तो मतलब पहले के मुकाबले जो थोड़ा कैसा चल रहा है, थोड़ा बताओ पब्लिक को। खिलौना मार्केट पहले से अच्छा भी चल रहा है और थोड़ा नॉर्मल भी है। दुकान ही खुद ही मतलब 40-50 फीट की दुकान लगती थी। हाँ, बिल्कुल। खिलौना टॉयज वगैरह बिल्कुल सब रहते थे, एक्सरसाइज सामान सारे टोटल मिलते थे हमारे। अच्छा अच्छा, लेकिन इस बार छोटा मेला हो गया ना, तो कम चलने की वजह से हमने छोटी दुकान करी। तो आपसे एक बात पूछने जाऊँगा, कोटा दशहरा मेला के अलावा आप कौन कौन से मेले में जाते हो? कोटा दशहरा के अलावा हम बारा जाते हैं, बूंदी जाते हैं, झालरा पाटन में भी मेले लगते हैं, वहाँ झालरा पाटन में भी लगता है, खानपुर लगते हैं, मानी मंडी जाते हैं। तो भैया आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी दुकान पर जो है वो सबसे कम वाला खिलौना कौन सा है, मतलब सबसे कम रेंज वाला? सबसे कम रेंज वाला अपने पास कम से कम रेट 50 रुपए से स्टार्ट है। क्या मिलता है 50 रुपए में? थोड़ा बताओ। 50 से हमारे पास ये फोन वगैरह मिलता है, बच्चों के जो बच्चे का टॉयज से, और ऊंचा से ऊंचा खिलौना हमारे पास 5,000 रुपए तक का है। उड़ने वाला हेलीकॉप्टर में मिल जाते हैं और गाड़ियाँ मिल जाती है इलेक्ट्रिक। तो आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप ये फिक्स रेट आपने लिखा हुआ है, तो ये मतलब आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या क्या मतलब 100 रुपए के अंदर मतलब आप बता रहे हो जो मिलता है? 100 रुपए में मतलब बच्चों का खिलौने जो भी हुआ, जैसे कोई किचन सेट वगैरह हुआ, ये ड्रेस सेट हुआ, कार हुई, बच्चों से लगा कर टोटल सारे सामान हमारे एक ही रेट में। तो मतलब ये वाला जो इधर लगा हुआ है पूरे, ये कितनी रेंज तक है, मतलब कम से कम ये 150 रुपए की लाट से स्टार्ट है। 100 रुपए से स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, डोरेमोन लगा हुआ है और ये सारे बच्चों के जो खिलौने अट्रैक्ट करते हैं। देखो तो भैया, ये जो है वो डीजे साउंड, ये हाँ, ये बच्चों की रेट बताओ आप। इसमें 550 से कम का नहीं है। अच्छा, 550 तो मतलब कम से कम है ना? जी है जी। इसमें अपने मोबाइल का यूट्यूब वगैरह चल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, मतलब साउंड सिस्टम पूरा है, साउंड सिस्टम पूरा है। तो काफी मतलब ये अच्छा मतलब भारी और बढ़िया माल, भारी है, लकड़ी के माल में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखो इधर ये खिलौने सारे, ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, इनको भी दिखाओ, खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, और सारे जो है वो उधर भी देखो बच्चे खड़े हुए हैं, उधर पूरा जो है वो आगे भी दिखाते हैं आपको। देखो बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों देखो, अब ये वाला जो सेक्शन बताएंगे भैया, तो आप बताओ यहाँ पर थोड़ा क्या क्या मिलता है? और यहाँ से सारा ओरिजिनल अलग अलग है, माल है, इससे महंगा माल होता है, ये 850 रुपये का है, ऐसे करके उड़ने वाला हेलीकॉप्टर 1,000 रुपये तक, 1,000 रुपये का तक का है, 5,000 रुपये तक का आइटम है अपने पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक माल से लगा कर टोटल महंगा माल है अपने पास। तो आप भैया एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप नया माल मतलब नया आइटम बताओ थोड़ा कुछ, मतलब क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है? इसमें नया आइटम आ रहा है अपने पास, सबसे महंगा गाड़ियों में चल रहा है बिल्कुल, ये कार है जिसमें पानी डाल के ऊपर से पीछे से फुहारा सेट चलेगा इसमें। अच्छा, खिलौना नए नए हैं, मतलब सारे ही चेंज नए नए चलते रहे, पहले से काफ़ी नए चेंजेस हैं इसमें आइटम। तो दोस्तों देखो, ये वाले सारे मतलब नए नए खिलौने आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये ड्रम, ये बच्चों के ढोलक वोलक सारे लगे हुए हैं, और एक से एक चीज़ आपको देखो, ये ढोलक वोलक सारे बहुत ज़बरदस्त आइटम है यहाँ पर। ये जो कार है ये अलग टाइप की है, इस पर चलाओ ना भैया इसको। जी बिल्कुल चलाऊंगा। ये है, इसमें ये जो नया सिस्टम आया है, ये वाला ये है, और इसमें स्ट्रिंग है, आगे पीछे दोएं बाएं तरफ चलेगी, ये स्ट्रिंग वगैरह सब इसी में ही है। अच्छा, ये स्ट्रिंग है इसकी, ये आगे चलती है, ये पीछे चलती है, ये आगे ये पीछे, ये धुआं निकलेगा इसमें, ये नया सिस्टम आया है इसका, इस कार का पूरा सिस्टम ही अलग है इसका। ये काफ़ी मतलब जबरदस्त लगी मेरे को। जबरदस्त इसकी रेट, इसकी रेट लगभग है ना 1,000 रुपये से कम की नहीं बिकती। अच्छा, है मतलब काफ़ी बढ़िया है मतलब। जी तो दोस्तों देखो, ये जो नया आइटम मैंने आपको दिखाया, बहुत मतलब इससे अंदर से धुआं निकल रहा है, देखो भैया चलाना धुआं। जी ये देखो, ये नया आइटम निकला है, ये सिस्टम अलग है, इसमें पानी डाल के ये फुहारा टाइप फेंकती है,
और बच्चों को मतलब काफी खुश होके ये आइटम ज्यादा बिक रहा है। बिल्कुल, बच्चों के अंदर काफी एक्साइटमेंट रहता है। जी जी। तो दोस्तों देखो, मैं आपको मतलब अभी खिलौना मार्केट जो है वो मैंने आपको दिखाया, ऐसे तो काफी खिलौने हैं, आपको मैं जो है वो सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ जो है देखो ये सारे आइटम ही है, बच्चों की गुड़ियाओं के सारे लगे हुए, छोटे छोटे बच्चे भी देखो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती है। और अभी तो काफी टाइम हो गया, इसमें थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन आने वाले टाइम में काफी ज्यादा भीड़ लगने वाली है। लगभग महिला अभी टाइम पूरा हो चुका है, वो तो भैया तो उसके बीच में अच्छा चलता है। शनिवार और रविवार को तो काफी भीड़ रहती है ना, बहुत लपक के संडे ज्यादा, अधिकतर मेला उस टाइम पे बहुत अच्छा चलता है शनिवार और संडे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। मैं खिलौना मार्केट के अंदर कोटा दशहरा में जो है वो खिलौना मार्केट काफी बड़ी संख्या में लगता है। देखो मैं आपको भैया से बात करवाऊंगा अभी, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या जो है वो आइटम देखने को मिलेंगे, तो चलिए भैया से बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप अभी जो है वो स्पोर्ट्स की शॉप पे खड़ा हुआ हूँ, अभी भैया से एक एक चीज करके जो भी बातें मतलब करेंगे और क्या जानकारी देंगे पूरी तरह। तो मेरा नाम विमल है, मैं मेरठ से आया हूँ। जी, जी जी, तो आप मतलब यूपी से आया, तो भैया आप बताइए कोटा दशहरा के अंदर जो आप कितने सालों से लगभग? मैं 30-35 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, 30-35 साल से आ रहा हूँ। तो आपके मतलब पिताजी भी आया करते थे आपके साथ, या फिर आप ही आ रहे हो शुरू से? मेरे भाई साहब आते थे। अच्छा, बड़े भाई साहब आते थे। अच्छा, तो भैया इस बार बताओ कोटा दशहरा मेला जो है वो लगभग 7 दिन हो गए जी, तो कैसा चल रहा है थोड़ा पब्लिक को बताओ? थोड़ा पहले से डाउन चल रहा है ना, पहले जो काफी बड़े स्तर पर भी खिलौना मार्केट लगता था, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। तो भैया मैं आपसे पूछने जाऊंगा, आपकी शॉप पर क्या क्या मिलता है थोड़ा बताइए? मेरे यहाँ कैरम मिलता है, स्केटिंग मिलती है, फुटबॉल मिलती है, वॉलीबॉल मिलती है, रैकेट मिलते हैं, बिल्कुल सभी वैरायटी मतलब स्पोर्ट्स के जो है सारे आइटम मिलते हैं। आपसे मैं पूछने जाऊंगा, आप जो कैरम की एक बार मतलब बता दीजिए, कैरम जो है सबसे बड़ा कैरम कितने का मिल जाएगा? मेरे यहाँ जो कैरम है 200 रुपए से लेके 600 रुपए तक है कैरम। अच्छा जी, तो आप ये थोड़ा फुटबॉल के बारे में बताइए कितने की है? फुटबॉल ये 100 रुपए से लेके, ये फुटबॉल 250 रुपए की है, 200 रुपए की है। अच्छा, 100 रुपए से स्टार्ट है? 100 रुपए से स्टार्ट है, 350 रुपए तक लास्ट। अच्छा अच्छा जी, तो भैया आपसे एक चीज और पूछूंगा, आप क्रिकेट काफी खेलते हैं अपने इंडिया के अंदर। जी जी, तो क्रिकेट का भी थोड़ा बैट वेट के बारे में बताइए, क्रिकेट का बैट का जो है वो कितना रहेगा? ये जैसे बैट है ये वाला। अच्छा, ये बैट इसका कीमत 450 रुपए है। 450 रुपए? हाँ। तो भैया थोड़ा बता सकते हो किस लकड़ी से बना हुआ है ये? कुछ बैट ऐसे सादे लकड़ी से बनते हैं, कुछ बैट कश्मीरी लकड़ी से बनते हैं। अच्छा अच्छा, काफी मजबूत होती है मतलब। और बैट छोटे से छोटे 50 रुपए से लेके 550 रुपए तक रहेगा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, इधर आ जा थोड़ा, स्केटिंग जो है इसके बारे में बताइए। ये बच्चों के लिए है 600 रुपए की। अच्छा, और ये वाली बड़ों के लिए 700 रुपए। ये जेस्पो कंपनी की। अच्छा, ये 1050 की। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको मतलब काफी चीजें हैं भाई मेरे पास। तो दोस्तों देख सकते हैं स्पोर्ट्स की दुकान पर काफी सारी मतलब आपको वैरायटी मिल जाएगी, अलग अलग देखने के, वॉलीबॉल मिल जाएगा यहाँ पर सर, ये देखो बैडमिंटन की सारी चीजें हैं, फुटबॉल है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं ये भैया की शॉप पर जरूर आइएगा, और भैया से जरूर, और वाजिब दाम है मेरे साथ, चेस आपको सभी मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे वाली दुकान पर चलते हैं, और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे खरीदारी कर रहे हैं, कैरम ले रहे हैं। देखिए भैया से भी बात करते हैं, खरीदारी कर रहे हैं, स्टार्ट करा। तो देखो भैया यहाँ पर बच्चों को दिलाने के लिए आए हैं, तो भैया से बात करते हैं। तो भैया आप बताइए थोड़ा आपका नाम बताओ। मेरा नाम मदन लाल है। अच्छा, मदन लाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप बच्चों को क्या दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पर खिलौना मार्केट में? सर मदन, मैं इनको घुमाने लाया हूँ। अच्छा, और इनको अभी क्रीम बोर्ड दिलाने। अच्छा अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है बताओ, पब्लिक को, आपके वीडियो देखेंगे सब, क्या कैरम बोर्ड अच्छा लगता है? बोर्ड अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखो कैरम बोर्ड मतलब मैंने बताया, बोर्ड जो बच्चों को काफी पसंदीदा होता है, या देखो और भी बच्चे खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। जी सर, तो आप एक बात और पूछूंगा, कोटा दशहरा में आप कितने सालों से लगभग मतलब आ रहे हो आप? करीब हो गए 30 साल। मतलब बचपन, अपन जब छोटे थे जब से आ रहे हो आप? 30 साल हो गए बचपन से आ रहे हैं। तो देखो अब भैया आ रहे हैं, बहुत अच्छा पड़ता है, काफी अच्छा पड़ता है, लेकिन अभी भैया एक चीज थोड़ा काफी कम कर दिया, काफी पहले बहुत बड़ा था, बिल्कुल बड़े आराम से देख सकते थे पूरी पब्लिक, थोड़ा कम कर दिया, लेकिन बिल्कुल पहले से कम कर दिया। तो दोस्तों देखिए चलिए आगे चलते हैं, दुकानें भी कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेले के बारे में बताओ, मेला कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया, बड़े शानदार है। चलो ठीक है, लायक पूरी चीजें काफी। जी जी, तरह तरह की। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों चलिए आगे भी जो खिलौना आपकी जो थोड़ी,
हाँ तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर ही मास्क जो है लगे थे, आप दशहरे मेले के अंदर आएंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये अलग अलग जो है वो ये वाले भैया बता रहे हैं देखो 60 रुपए के, ये बहुत ये अलग ही देखो ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पर। और ये बच्चों के हैं, और ये ऊपर वाला जो है वो 50 रुपए का बता रहे हैं। ये ऐसे ही आपको कोटा दशहरा मेला के अंदर जो है वो अलग अलग बच्चों के खिलौने ऐसे ही सारी चीज़ें मिलेंगी, कीचेन मिलती है इधर, और सारे बड़ा बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है। और देखो आगे भी चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं सारा। ये ऐसे ही यहाँ पर ये ज्वेलरी और आपको सभी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगी। एक और स्पोर्ट्स की शॉप यहाँ पर जो है लगी हुई है, और एक खिलौना मार्केट जो है काफ़ी उसमें लगता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर ये टेडी बियर मिल रहे हैं, यहाँ पर 80 का एक है और 150 का जो है दो है, और बहुत ज़बरदस्त ये टर्टल्स मिल रहे हैं। और आगे देखो रैबिट है वहाँ पर, वो खरगोश, और बहुत ज़बरदस्त देखो यहाँ पर माइक लगा हुआ है, और ये सारे एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ।